कर चुका हूँ बहुत पहले, पर मैं 20 साल से ना यही देखता आ रहा हूँ कि भाई ये मांगे चल रही हैं, ये मांगे हम कर रहे हैं, मैं इसके हक में नहीं हूँ। क्योंकि कुछ लोग है ना कर रहे हैं, सब ठीक है, आप देख लड़ाइयाँ अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं, चलो ठीक है, कोई नहीं, समाज की लड़ाई लड़ते रहना चाहिए, बिना लड़े कुछ मिलता नहीं। हमारे केजरीवाल जी लड़ते ही है, लड़ते ही बहुत चीजें दिला रहे लड़ाई लड़ रहे हैं। एमसीडी दिल्ली सरकार ने कर दी है, शीला दीक्षित ने पूरा जोर लगाया लेकिन नहीं आया, हमने भी लगाया लेकिन नहीं आया। हमारे सभी यूनियन सीनियर्स को भी पता है कि सीनियर सीनियर केंद्र सरकार के अधीन है। अभी सीवर्स की जो डेथ हुई है उसके अंदर भी अभी मेरे भाई थे भी उन्होंने बताया कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख जो भी उन्होंने बताया मैंने सुना है, लेकिन मुझे कहीं से आवाज नहीं आई है कि किस देश के कौन से राज्य में मिला है। लेकिन आपको एक दिल्ली स्टेट से आवाज आ रही है क्योंकि यहाँ मिला है 10 लाख मिला है और उसकी 15 लाख के अंदर 10 लाख का मुआवजा मिला, 15 लाख कराने की मुहिम चल रही है, हम कर रहे हैं उस कार्य को, और एक नौकरी भी देने का हमने उनको वादा किया। और जिनके साथ ये घटना हुई है, ये दुख हुआ है उनके साथ, उसकी क्षति तो पूर्ति कर नहीं सकते हम और हमारी सरकार, लेकिन हमने जितना किया अभी तक किसी स्टेट से नवाज नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने ही प्रतिबंध लगाया है सीवर पे, आपको ये नहीं घुसेगा। जिन ठेकेदारों की वजह से ये डेथ हुई थी आपको बड़ी खुशी भी होगी कि किसी ने तो ऐसा कदम उठाया, उन उसमें से जो ठेकेदार हमारे हक में चढ़ा है, आप यकीन करना 302 का मुकदमा दर्ज हुआ और उनकी अभी तक जमानत नहीं हुई है। अब वो जब डेथ हुई थी तब से अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है। ये भी काम आपकी दिल्ली सरकार ने और आपके भाई के लिए। अभी हमारे भगवान सिंह ने बोला ये 6000 तनखा 8000 तनखा ठीक है, ये बात सच है, अशिक्षित है तभी तो बेचारों को पता ही चलता ना कहाँ सही हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन आयोग था, चलो मान लिया मैंने था, लेकिन अब आयोग नहीं है। अब आयोग में तो आपके जुझारू आगे लड़ने के लिए आए, बैठने के लिए नहीं। आपको सबसे पहले आपको अपनी सफलता बताओ, पहली आप सब जानते हैं, पुराने जानने वाले हैं आप भी, पहले सदस्यों को भी जानते थे ना, आयोग में बैठने की अनुमति मिली थी, लेकिन पहली सफलता आपके भाई ने दी, वहां पे अपना ऑफिस बनवा दिया, वहां बैठता हूँ 11 से 5 सारे काम छोड़ के वहां बैठता हूँ, अपने अपने समाज के लिए, अपने बाकी समाज के लिए सफाई करने जाता हूँ। और अगर उनका कोई लेटर लगा नहीं पड़ा है और उस पर सुनवाई नहीं हो रही तो मैं उनसे कह रहा हूँ दोबारा मेरे नाम से लिखो, मैं सुनवाई करूंगा, मैं उसको नोटिस करूंगा। और जो बीसी से लेके और जो भी कोई अधिकारी उससे नीचे लेवल से कोई भी आएगा और वो अथराइज लेटर भी लाएगा तो मैं उसे गेस्ट हाउस में देता हूँ। बड़ा छोटा शब्द है लेकिन बड़े प्यार से बोलते गेस्ट हाउस, यहाँ से जा सकते हो या आयोग है, वहीं बैठ कर लेटर लिख दिया और मुझे दिखा दिया, स्टैम्प लिख के दे दी कि मैं यहाँ हूँ आऊँ या कुछ भी बताएंगे, तो मैं उसे ये कहता हूँ आप जाओ यहाँ से अथराइज लेटर लेके आओ, तब यहाँ पर ही आयोग है, आयोग की यही कर रहे हो आप। तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी अभी चेंज करनी है, एकदम से कॉम्प्लीट कर देंगे सारी चीजें आज ही कर देंगे। कुछ हमारे प्रोटोकॉल भी होते हैं, अब आयोग में आगे अपने सिस्टम को लेकर आएंगे और उन लोगों को नहीं बताएंगे तो कैसे होएगा। कई भाई लोग मेरे बेचारे जो भाई कोई है अशिक्षा का वो है ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं तभी उनको सर झुका के उनकी समस्या सुन लेता हूँ, उनका जो शिकायत पत्र होता है वो रस्ते में भी लेता हूँ, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ क्या नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, मैं आपके लिए वहाँ बैठा रहता हूँ, क्या कार्यालय किसलिए बनवाया नहीं आपके लिए बनवाया, आप आओ आपको चाय पिलाऊंगा, आपकी समस्या में सुनूंगा और अपने डिप्टी सेक्रेटरी को बुला के कहूंगा तुरंत इसका टीम लेटर लगा और एक लगा संजय माधव जी मुझे लगा। और मिनिमम वेजेस जो था 13,700 रुपये वो भी आपको जानकर खुशी होगी, पहली सरकार आपकी दिल्ली सरकार ने काम करवाया, लेकिन लड़ रहे एल जी ने भेज करा, प्रधानमंत्री ने भेज करा, राष्ट्रपति ने भेज करा, फिर भी हम उसे पास क्योंकि वो एक अधिकार है, कानून है उसका, और उस कानून के लिए अभी जी ने लड़ाई लड़ी, उसमें सफल हो गया, आज हमारे सफाई पत्र का
ईटीएफ वगैरह काट के 11,000 कुछ रुपए मिल गए, जो कि पहले 7,000 कुछ मिलता था। ये भी हमने काम किया। और एक चीज और है कि भाई ये बोर्ड अभी आपसे बताया था, आप लोग चले गए बोर्ड में कुछ अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाले अप्रैल तक के अंदर बोर्ड के अंदर कोई आएगा तो उसको कंपन हो जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसकी इतनी पावर बढ़वाने वाला हूँ मैं, और इसका पूरा काम मैंने कर दिया है, शायद पहले विधानसभा सेशन में लग भी जाएगा। इस बोर्ड की पावर बहुत कम मिलेगी, बहुत सारे ऐसे काम है जो आप लोग मिलकर करेंगे, आपके सहयोग से ही होंगे, कुछ चीजें हमें नहीं पता, कुछ चीजें हमें आप बता देंगे, लेकिन करेंगे जरूर। सबने है ना अपने 20 साल पुराने अनुभव बताए, उनका मैं सत्कार करता हूँ, ठीक है उनका अनुभव है, लेकिन आने वाले 20 साल के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं उन्हें कहता हूँ सर झुका के और हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आने वाले 20 साल के लिए आपके पास कोई भी योजना ऐसी है जो सफाई कर्मचारियों से रिलेटिव रखे संबंधित रखती है, तो आप खुले दिल 24 घंटे अपने भाई के दरवाजे अपने भाई के कार्यालय आ सकते हैं, उस योजना को लागू करने में आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा मिलूंगा और लड़ूंगा उसके लिए। आने वाले 30 साल के लिए तो बात करो, 20 साल तो बीत गए, मर घटके हम सब जमा को नष्ट कर दिया, लोगों ने कुछ नहीं दिया, छोड़ो उस चीज को, आगे वाले 20 साल की बात करो, वो क्यों नहीं करते। आने वाले 20 साल में छोटी हो योजना आपके पास, बड़ी हो कोई स्कीम हो, क्या हम ये आप कर सकते हैं या हमारे माध्यम से कर दो, आप यकीन मानना आपके लिए मैं खड़ा हूँ, खुला ऑफर है, आप आओ तो सही एक बार, हम खड़े हैं आपके लिए और इस योजना को लागू कराएंगे, अरविंद जी से करवाएंगे, अरविंद जी से भी कराएंगे, तो मंत्री जो हमसे बनेगा जो हम आपके लिए जा सकते हैं वहाँ के लिए, लेकिन कराएंगे, ये वादा भी है कोशिश भी है। किसी ने कहा था वादा अक्सर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कोशिश से कामयाब होती है, मैं तो कोशिश ही करता रहूँगा। और मेरे अभी सुभाष खराले जी बैठे हैं, जी बैठे मेरे यही रहते हैं, इन्हें पता है कि मैं लड़ तो शुरू से ही रहा हूँ, उस लड़ते लड़ते देख लो आज मैं कहाँ आ गया, अभी और देखेंगे कहाँ जाना है, समाज को लेकर जाना है, लेकिन क्योंकि मेरा जो समाज में बड़ा भूला है, भावुकता में ढह जाता है, किसी ने 2 शब्द पीठे बोले बस उसी का हो गया, लेकिन अब इसको जागरूक करने का भी काम है। एक बात और आपसे मैं प्रार्थना करके आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि जिस गली में भी किसी से बोला कि आप गलियों में जाओ भगवान से भी लगा दिया था क्या, मैं आपसे कह रहा हूँ आप गली में क्या कहीं ऐसी जगह पर मैं जहाँ लोग नाक बंद करते हैं मैं वहां भी आने को तैयार हूँ, लेकिन आप बुलाओ। आप ही करोगे ना, अगर आप नहीं बुलाओगे तो मैं वहां टाइम दे के 5 बजे उठ के घर चला जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना मैं जाऊंगा अब ना मैं बैठूंगा, 5 बजे के बाद भी मैं समाज में जाता हूँ, जैसे भगवान सिंह जी आपके यहाँ आया था, प्रवीण जी आपके यहाँ आया था, और भी कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने ध्यान में रखना जो बैठी थी पीछे, इन्होंने बुलाया था, मैं वहाँ गए हैं, इनकी समस्या सुनी, इन्होंने सफाई कर्मचारियों के बारे में बताया, मैंने कहा आप टेंशन मत लो, परेशानी आपने मुझे बता दी, परेशानी नहीं थी, इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आने वाले 20 साल के लिए जो भी योजना उसको लागू करवाए हमारे से, उसे हमारे से शेयर करें, हम बनाएंगे उसको, और किसी के ऊपर भी ये मैं सोच रहा कि उसने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जो करना ही नहीं चाहता तो छोड़ दो ना, जो करना चाहता हूँ उसके साथ चलो, जब मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ आप क्यों नहीं।